हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, CDP का चिंतन। चिंतन तो हमने पढ़ाया, बट ये टॉपिक भी हमने कराया था, बट मैंने आपको कहा था इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो इसको हमको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, चिंतन मुख्य रूप से आपके JP गिलफोर्ड जी ने कहा है कि चिंतन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी चिंतन, दूसरा होता है अपसारी चिंतन। ध्यान दीजिए, पहला अभिसारी और दूसरा है अपसारी। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग और अपसारी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो पहला हम देखेंगे अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन होता क्या है? तो अभिसारी चिंतन वो होता है जिसमें जब समस्या समाधान एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, जब समस्या समाधान सिर्फ एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है तो अभिसारी चिंतन होता है। जबकि अपसारी चिंतन क्या होता है? जिसमें कई बिंदुएं होती हैं, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। इसमें समस्या समाधान क्या होता है? एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, समस्या का एक ही हल होता है। ध्यान दीजिए, जो अभिसारी चिंतन होते हैं इसमें समस्या का एक ही हल होता है और वो संकुचित होता है। इस चिंतन द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत वाला होता है, इसे क्लोज्ड इंडेड कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोज्ड इंडेड चिंतन है, तो थिंकिंग या चिंतन है, तो वो है आपका अभिसारी चिंतन। अभिसारी, इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता। बालक क्रिएटिव है, सृजनात्मक है, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव है, डज नॉट मैटर, इसमें बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया जाता। इसका एक निश्चित उत्तर होता है, 2 × 4, तो 2 × 4 ही करना होगा उसको, ठीक है। जबकि अभिसारी चिंतन इसका जस्ट उल्टा होता है। वो क्या होता है देख लेते हैं। अपसारी चिंतन क्या होता है? ये डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्या एक ही दिन लिखा गया है, यहाँ पे होना चाहिए एक ही बिंदु पर। टाइपिंग मिस्टेक। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है, मतलब इसमें जो समस्या होती है वो कई बिंदुओं पर केंद्रित करता है। इसमें समस्या को कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। मतलब इसमें जो समस्या का हल होगा उसमें, और उसका जो हल होगा उसे आपको अपनी कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का प्रयोग करके उसका हल दिया जाएगा। अभी उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला होता है, यानी ओपन एंडेड, यानी फ्री हैंड छोड़ दिया जाता है। इसका जो हल होगा आप एकदम ओपन एंडेड, मुक्त अंत के साथ दे सकते हैं, खुले रूप से। अब हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखिए, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। पहले ये कि अभिसारी चिंतन सिर्फ एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, अपसारी चिंतन कई बिंदुओं पर केंद्रित होता है, बंद अंत वाला होता है क्लोज्ड इंडेड, और जो अपसारी चिंतन होता है वह ओपन इंडेड होता है। तो ध्यान दीजिए, अब जैसे आप एग्जाम देते हैं, तो आप एग्जाम में जब हाई स्कूल इंटर का आपने एग्जाम दिया होगा, या भी जो भी आप एग्जाम देते हैं DLED का, DLED BTC BEd जो भी है, तो आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलते होंगे। पहला बहुविकल्पीय, ठीक है, बहुविकल्पीय मिलता होगा, ऑप्शनल वाला। अब ये बताइए, क्या इसमें आप फ्री हैंड होते हैं? इसमें आपका एक ही आंसर सही होगा ऑप्शन, चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन पर टिक लगाना है। आपकी उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं नजर आएगी, कोई सृजनात्मकता नहीं, सिर्फ इसका और यह एक ही बिंदु पर पॉइंट करेगा, ठीक है, एक ही बिंदु पर फोकस करेगा। यह होता है क्या, कौन सा? और इस प्रश्न का उत्तर आप किस चिंतन के माध्यम से देंगे? अभिसारी चिंतन के माध्यम से। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको अभिसारी चिंतन का प्रयोग करना होगा। दूसरा आता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न। विस्तृत यानी कि इसमें आपको फ्री हैंड दिया जाता है, इसमें आपको मुक्त रूप से आप बड़े से पूरा एक पेज में आप इसका उत्तर देंगे, यानी कि ये फ्री हैंड दे दिया जाता है। कुछ भी लिखो, आपको इसमें सोचना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, और उसके लिए कौन से चिंतन का प्रयोग करते हैं आप? अपसारी चिंतन। तो समझ में आ गया होगा, जब एक ही बिंदु पर फोकस हो और कोई खास चिंतन नहीं करना हो, मतलब रटाई चीज़ें आ जाए, तो वह अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा। और जब आपको अपनी सोच, रचनात्मकता और सृजनात्मकता और अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करना होगा, तो वह कौन सा चिंतन कहलाएगा? अपसारी चिंतन। तो जो बहुविकल्पी होते हैं प्रश्न, बहुविकल्पी होते हैं, वे आपको अभिसारी चिंतन के थ्रू उसका उत्तर देना होगा। और जो विस्तृत उत्तरी या लघु उत्तरी होते हैं, वो किस चिंतन के थ्रू उसका उत्तर देंगे आप? अपसारी चिंतन। उसमें ओपन एंडेड होता है, आप अपना सोचिए, विचारिए, कल्पना शक्ति का प्रयोग करें और उस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आई थिंक
मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन समझ में आ गया, और ध्यान दीजिए अभिसारी चिंतन का दो पॉइंट याद रखिए, या एक एक बिंदु पर फोकस करता है, सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं देता है अभिसारी चिंतन, और तीसरा पॉइंट है यह क्या होता है क्लोज्ड इंडेड, जबकि अपसारी चिंतन कई पहलुओं पर फोकस करता है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है अपसारी चिंतन, और ओपन इंडेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभिसारी अपसारी चिंतन देख लिया है। वीडियो को पसंद आया आपको तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको टेट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको नंबर पे कॉल करना होगा 7905837700, या फिर नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करिए जल्दी से फटाफट, और इस वीडियो को देखिए और इसे नोट कर लीजिएगा अपने CDP के नोट्स में, जो भी हमने पढ़ाया आपको अपने बाल विकास के नोट्स में ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, हैव गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय।